हेलो एवरीवन, बहुत सारे वेबसाइट में आप लोग देखते होंगे कि आपको एक्सेस करने के लिए वहाँ पर साइन इन या लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप gmail.com में जाते हैं, facebook.com में जाते हैं, twitter.com में जाते हैं या फिर Flipkart या फिर Amazon में जाते हैं तो आपको वहाँ पर साइन इन या लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, एक लॉगिन और एक साइनिंग। काफ़ी लोग लॉगिन और साइनिंग को एक समान ही मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि लॉगिन और साइनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि लॉगिन और साइनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावेश। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको लॉगआउट करना पड़ता है, और जब भी किसी वेबसाइट में अगर आप साइनिंग करते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको साइन आउट करना पड़ता है। लॉगिन और साइनिंग में ये फ़र्क है कि जब भी आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वह आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और जब भी आप किसी वेबसाइट में साइनिंग करते हैं तो वह आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करता है। एक आसान तरीका में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट में अगर आप लॉगिन करते हैं, अगर वहाँ पर आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं या किसी को डिसलाइक करते हैं, किसी में कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं वो सारी एक्टिविटी को वह रिकॉर्ड करके रखता है, जबकि जो साइनिंग वाली वेबसाइट है वह आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके नहीं रखता है। इसको एक एग्जांपल की तरह बात करते हैं। एक वेबसाइट है जीमेल और एक वेबसाइट है फेसबुक का। आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, फेसबुक में लॉगिन करने के बाद अगर उसमें किसी भी फोटो या वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या किसी के कमेंट्स पढ़ते हैं, किसी का स्टेटस देखते हैं, आप जो भी एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं वो सारा स्टोर हो जाता है। दूसरी जगह जीमेल में आप साइनिंग करते हैं, जीमेल में साइनिंग करने के बाद आप वहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, किसको लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो सब वह नहीं देख सकता है। जीमेल को सिर्फ इतना पता रहता है कि आप किसी को ये मेल भेजे हैं, और बाकी के अंदर की एक्टिविटी वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। इसको मैं और एक एग्जाम्पल में बताता हूँ कि आप जब कभी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आप जिस तरह की प्रोडक्ट को आप लाइक करते हैं या जिस तरह की कैटेगरी को आप लाइक करते हैं तो वहाँ पर वो लोग इन सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और आप देखते होंगे कि आप जब कभी भी वापस कभी लॉगिन करते हैं तो वह प्रोडक्ट आपको सजेशन में दिखाता होगा, जिससे कि आप परचेस करने के लिए अट्रैक्ट हो जाए। सो फ्रेंड, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लॉगिन और साइनिंग में क्या फ़र्क होता है। जिस वेबसाइट में आप लॉगिन करते हैं वह आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और जिस वेबसाइट में आप साइनिंग करते हैं वह आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना।